पे क्या कर रहे हो? एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? अब वो वीडियो टीवी पे दिखाऊंगी तब दिमाग में घुसेगा या बीवी को दिखाओ? दिखा दो, अगर तुम्हें यही करना है गो राइट अहेड, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। इनफैक्ट हम खुद ये बात अपनी बीवियों से कहने वाले हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी बीवियों से कुछ नहीं छुपाएंगे। अगर उस रात हमसे कोई गलती हुई तो इस बात को छुपाकर एक और गलती नहीं करेंगे। अबे तू पागल पागल हो गया क्या? सच अगर पागल बने हैं तो हाँ, हम तीनों पागल हैं। और वैसे भी हमारी दादी कहती है एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए आज से नो झूठ। अच्छा, वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी कोशिश थी। तुम लोग ये सब झूठ मुझे झांसे में फंसाने के लिए बोल रहे हो ना, ताकि मैं वो वीडियो तुम्हारी बीवियों को ना दिखाओ। तुम वीडियो दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी बीवियों को सब बताने ही वाले हैं। और तुम लोग को ये क्यों लगता है कि बात मैं मानने वाली हूँ? बात तुम्हारे मानने या ना मानने की है ही नहीं, बात है हमारी बीवियों की, और हम उन्हें सब कुछ बताने वाले हैं जो कुछ भी हमें याद है। और हां, एक और चीज, सॉरी। और हां, अगर जाने या अनजाने में हमने कोई गलती की हुई या हमसे कोई बदतमीजी हुई हो तो उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं, जो कुछ भी और नशे में हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग सच में इतने अच्छे लोग हैं? मुझे लगा था वो झूठ बोल रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। सच के रास्ते पे चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उस रास्ते पे चलकर कोई अफसोस नहीं होता। सही कहा, आज तक सुना था कि सच कड़वा होता है, बट यहां तो स्केरी और डेंजरस दोनों है। तुम्हें डरा रहे क्या? इट्स नॉट इजी फॉर अस यार। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि आप दोनों जो करने वाले हो उसके लिए काफी करेज चाहिए। रात से पहले मैं सिर्फ आपकी तड़ी का फैन था और आपके बालों का, बट मैं आज आप दोनों की ऑनेस्टी का बहुत बड़ा फैन हो गया यार। ऑल द बेस्ट। कुछ मत बोलना निकल, और जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। मैंने हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कुछ नहीं छुपाएंगे, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हाँ निकाल ले, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज। बहुत मुश्किल से दिल में हिम्मत और होठों पे सच आया है, बोलने दो आने का। मैंने तुमसे वो कहानी कही थी लाल ड्रेस वाली लड़की को लिफ्ट देने की, वो सच नहीं थी, मैंने वो कहानी बनाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो कहानी सच हो गई। गौरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं रख सकते, अभी हम बहुत बिजी हैं ओमकारा जी, बहुत सारा काम है, केटरिंग की सारी जिम्मेदारी हमने उठाई हुई है और पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, तो फिर हमें खुद को प्रूव करना है, ठीक है? हमें टेंशन हो रहा है, टेंशन के मारे सारी चिड़ैयाएं उड़ी हुई है हमारी। गौरी गौरी, सब हो जाएगा, बट प्लीज मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ बोलिए ना, हम सुन तो रहे। देखो एक्चुअली क्या है ना, हम ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज पूरी बात सुन के रिएक्ट करना, पहले रिएक्ट मत कर देना। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। एक्चुअली हम जब गोवा जा रहे थे ना, तो रास्ते में हमने कुछ ड्रिंक्स ले लिए, और उन ड्रिंक्स में ड्रिंक्स ओके श्योर या थैंक यू। सॉरी, आप हमें सॉरी बोल रहे हैं? हाँ
आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक है ना? एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? गोवा ट्रिप के बारे में। एक्चुअली उस ट्रिप में एक लड़की मिली थी। एक मिनट, आप ये सब हमें क्यों बता रहे? क्योंकि मैं तुमको बताना चाहता हूँ इसलिए। आपको कोई भी मिलता है, आप उसके साथ कहीं भी जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, उससे हमें क्या मतलब है? वैसे भी आपको हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों गोवा गए, हमें एक लड़की मिली जिसे हमने लिफ्ट दी, और वो लड़की पिया थी। पता नहीं उसने हमारी ड्रिंक्स में क्या मिलाया, और हमें होश नहीं रहा। जब आंखें खुली हम तीनों को कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ। कुछ तो हुआ था, लेकिन आई स्वेयर कुछ याद नहीं था। सही गलत कुछ याद नहीं था। अगर मैं होश में होता ना, ये गलती बिल्कुल नहीं करता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ नहीं का। लेकिन हाँ, गलती हुई है मुझसे। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तुमसे झूठ कहा है। I'm sorry. अरे, इसने तो सच में अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। इसका मतलब लोग ड्रामा नहीं कर रहे थे।